हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल पॉसिबल 11 ट्रीम प्रेडिक्शंस एंड टीम्स अपडेट। तो ये जो हमारा वीडियो है चिटागोंग चैलेंजर्स वर्सेस राजशाही रॉयल्स, जो प्ले ऑफ्स में मैच होने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहले बात करूँ कि चिटागोंग चैलेंजर्स की, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे क्रिस गेल, इमरुल कैस, मोहम्मद अल्लाह, चैनविक वॉल्टन, रियाज अहमद और मेहंदी हसन राणा, जिनका ये टूर्नामेंट बहुत और मोहम्मद इरफान, इन सब का राजशाही की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैच डिटेल्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट्स है फैंटेसी टीम्स में शोएब मलिक्स की। चिटागोंग चैलेंजर्स की बात करूँ तो लास्ट मैच 39 रन की पारी खेली थी क्रिस गेल ने, और वो बड़े मैच के प्लेयर हो सकते हैं, आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। तो फिर मोहम्मदुल्ला की बात करें तो ऑलराउंड एबिलिटीज़ हैं इनमें, 34 रन की पारी खेली थी लास्ट मैच में, 2 विकेट नजूम अहमद ने, 3 विकेट रियार अहमद, 2 विकेट और रूबल हसैन ने लिए थे। वहीं राजशाही के रॉयल्स की बात करें तो शोएब मलिक ने लास्ट मैच में 80 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली, बॉलिंग भी की अच्छी, और आंद्रे वेस्टन का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। मोहम्मद इरफान ने 2 विकेट लिए सिर्फ 13 रन देके, एक मीडियम भी था मेरे हिसाब से। रवि भोपारा का भी एक विकेट देखने को मिला, बैटिंग भी अच्छी वो कर रहे थे। लास्ट 5 हेड टू हेड देखा जाए तो 3 चिटागोंग चैलेंजर्स दिया जीता हुआ है और 2 राजशाही रॉयल्स। फंडरेसी टिप्स की बात करो तो अपनी कीपिंग में ले सकते हैं, स्पिन बॉलिंग का अच्छा रोल रहेगा क्योंकि बांग्लादेश में मैच हो रहा है, आप दोनों टीम से अच्छे प्लेयर्स जैसे बड़े प्लेयर्स को मिस नहीं कर सकते, कोई भी आउट प्ले कर सकता है आपको आपकी सामने वाली टीम से। शोएब मलिक और हफीज हुसैन का ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, फिर आपको की प्लेयर्स और बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस की बात करते हैं, क्रिस गेल, इमरुल कैस, मोहम्मदुल्ला, रूबल हुसैन, लिटन दास, आफिफ हुसैन, शोएब मलिक और एंड्रे रसल, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पिच रिपोर्ट्स फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 बजे मैच शुरू होना है शेर बांग्ला इंटरनेशनल स्टेडियम ढाका में, और पिच न्यूट्रल रहने वाली है, थोड़ी स्पिन को मदद मिलेगी, स्लाइट क्लाउड है लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 152 है, अच्छा स्कोर है, 160 के तकरीबन 150 के तकरीबन आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने कहा था कि लिटन दास अच्छे चॉइस रहेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग के ऑप्शन में, और बैटिंग की बात करूँ तो मैंने 3 ही बैट्समैन सिर्फ खिलाए हैं क्योंकि BPL में बहुत सारे विकेट देखने को मिले हैं टूर्नामेंट में पूरे। शोएब मलिक, इमरुल कैस और आफिफ हुसैन, आफिफ हुसैन एक अच्छे ऑलराउंडर्स भी है। ऑलराउंडर्स में बात करूँ तो मोहम्मदुल्ला और रवि भोपारा, और एक मिनी जैकपॉट प्लेयर कह सकते हैं रहमान को मैंने खेला हुआ है, जूद रहमान को। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करूँ तो 4 बॉलर, रूबल हुसैन, मोहम्मद इरफान, फिर मेहंदी हसन राणा, इनकी बैटिंग भी आ सकती है अच्छी करते हैं, और नूर अहमद को हमने खिलाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी टीम लाइनअप, 4 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स, 3 बैट्समैन और 1 कीपर। कैप्टन की बात करूँ अगर तो शोएब मलिक सबसे अच्छे और रिलायबल चॉइस हो सकते हैं, और वाइस कैप्टन आपके आफिफ हुसैन हो सकते हैं, पर मगर ये दोनों एक ही टीम से कोलाइड कर जाएंगे, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, पर मुझे सेफ टीम आप क्योंकि आप लोगों को प्रोवाइड करनी है इसके लिए ये हो गए। और कैप्टन वाइस कैप्टन इन डिफरेंट लीग या फिर हल्का सा रिस्क लेके खेल सकते हैं, वो होगा लिटन दास, इमरुल कैस, मोहम्मदुल्ला और रवि भोपारा। वहीं बात करूँ तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये हो गई हमारी पूरी टीम प्रीव्यू, और ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिले और फाइनल टीम भी आपको प्रोवाइड की जाए, और हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको भी बहुत सारी अर्निंग्स की पता चले कि आप एप्लीकेशन से अर्न कैसे कर सकते हैं। चलिए गाइस थैंक यू एंड होप यू विल हैव अ ग्रेट डे।